हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे निकाले तो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को शॉर्ट में मैं आर डी भी कह सकता हूँ ठीक है इसे आर डी भी कहा जाता है आर डी अकाउंट होता क्या है ठीक है सबसे पहले समझते हैं कि आर डी अकाउंट होता क्या है तो आर डी अकाउंट में आपको एक फिक्सड अमाउंट कंटिन्यूसली एक फिक्स टाइम पीरियड तक जमा करता रहना पड़ता है जैसे मंथली ठीक है ईयरली या क्वार्टरली और एक फिक्स टाइम पीरियड के पूरा हो जाने के बाद आपको विद इंटरेस्ट आपको अमाउंट मिल जाता है ठीक है तो इसे आर अकाउंट कहते हैं तो देखते हैं आर अकाउंट में इंटरेस्ट निकालते कैसे ठीक है तो इंटरेस्ट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है पी एन आर एन प्लस वन बाय टू फोर जीरो जीरो ठीक है तो ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया जिसमें पी प्रिंसिपल है और एन मीस नंबर ऑफ मंथ जितना मंथ के लिए हम लोग दे रहे हैं ईयर में रहेगा तो उसे आपको मंथ में कन्वर्ट करना होगा ठीक है फिर रेट और एन प्लस वन ठीक है और टू फोर जीरो जीरो उसी तरह इंटरेस्ट का और एक फार्मूला हो सकता है अगर आपको एम भी पता हो तो एम भी एम भी माइनस पी एन ठीक है तो एम भी का मतलब क्या होता है एम भी का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पूरा हो जाने के बाद जो हमें अमाउंट मिलता है उसे एम भी कहते हैं ठीक है मैच्योरिटी वैल्यू तो मैचोरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अगर हमको चाहिए डायरेक्ट मैचोरिटी वैल्यू अगर निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा पी एन प्लस पी एन आर एन प्लस वन बाय टू फोर जीरो जीरो ठीक है और एम बी के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एम बी इक्वल टू पी एन प्लस आई ठीक है इंटरेस्ट तो देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन है कैटरीना ओपन अ रेकरिंग डिपोजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर ठीक है पीरियड ऑफ टू ईयर दिया हुआ है मीन्स एन दिया हुआ है टू ईयर तो टू ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी फोर मंथ ठीक है फिर आते हैं इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर एन एम मीन्स आर दे दिया है सिक्स परसेंट ठीक है एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज वन थाउजेंड रुपीज़ ठीक है मतलब पर मंथ वन थाउजेंड रुपीज़ पे किया जा रहा है मीन पी दिया हुआ है वन थाउजेंड रुपीज़ ठीक है तो इसका इंटरेस्ट बैट निकालना है हमको इंटरेस्ट अर्न इन द टू ईयर तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला मैंने बताया था पी एन आर एन प्लस वन बाय टू फोर जीरो जीरो ठीक है तो प्रिंसिपल के प्लेस में वन थाउजेंड लिख दूंगा इनटू एन एन इज़ ट्वेंटी फोर इंटू आर इज़ सिक्स एंड ट्वेंटी फोर प्लस वन एन इज़ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस वन और टू फोर जीरो जीरो कैंसिल करेंगे जीरो जीरो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्सटी इनटू ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ट्वेंटी फ़ोर इंटू सिक्सटी हो जाएगा मेरा ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स वन फिफ्टी और जीरो ये मेरा निकल गया इंटरेस्ट ठीक है ये मेरा ट्वेंट फिफ्टीन हंड्रेड इंटरेस्ट निकल गया अब मेरे को फाइंड करना है मैचोरिटी वैल्यू ठीक है तो मैचोरिटी वैल्यू देखते हैं कैसे निकलेगा मैचोरिटी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं पी एन प्लस आई ठीक है प्रिंसिपल और उसमें इंटरेस्ट अगर ऐड कर दिया जाएगा तो निकल जाएगा मेचोरिटी वैल्यू ठीक है तो प्रिंसिपल है वन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फोर प्लस इंटरेस्ट निकल गया है वन फाइव जीरो जीरो ठीक है तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस फिफ्टीन हंड्रेड तो ये ऐड करके हो जाएगा फाइव फाइव टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ठीक है ये मेरा मैच्योरिटी वैल्यू निकल गया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ द मनी इच मंथ इन आर डी अकाउंट ऑफ अ बैंक मिस्टर ब्रिटो जो है आरडी अकाउंट में कुछ सम ऑफ मनी हर एक महीना डिपॉजिट करता है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ एट परसेंट रेट दे दिया है एट परसेंट ठीक है और एंड ही गेट्स एट थाउजेंड एटी एट रुपीज़ फ्रॉम द बैंक आफ्टर द थ्री ईयर मतलब थ्री ईयर के बाद इसको इतना रुपया मैचोरिटी मिलता है तो मैचोरिटी वैल्यू दिया है एट जीरो एट एट रुपीस और टाइम है मीन्स एन थ्री ईयर थ्री ईयर को थर्टी सिक्स मंथ में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है और फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट मीन्स हमें फाइंड करना है पी ठीक है तो पी क्या होगा तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू का ही यूज करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू जो कल टू फॉर्मूला होता है पी एन प्लस पी एन आर एन प्लस वन बाय टू फोर जीरो जीरो ठीक है मैच मैच्योरिटी वैल्यू के प्लेस में हम लोग लिख देंगे एट जीरो एट एट इंटू पी निकालना है पी इंटू एन के प्लेस में थर्टी सिक्स प्लस पी के प्लेस में पी रहेगा एन के प्लेस में थर्टी सिक्स इंटू आर के प्लेस में एट इंटू थर्टी सिक्स प्लस वन बाय टू फोर जीरो जीरो ठीक है तो इसको कैंसिल करेंगे एट से एट थ्री या ट्वेंटी फोर ठीक है फिर थ्री से कैंसिल करते हैं हंड्रेड टाइम्स और थ्री से वन और टू ट्वेल्व टाइम्स कैंसिल हो गया फिर ये फोर से कैंसिल करेंगे फोर थ्री या टूवेल्व फोर से ट्वेंटी फाइव ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं एट जीरो एट एट डिजिकल टू यहाँ हो जाएगा थर्टी सिक्स पी प्लस यहाँ हो जाएगा थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन थ्री पी इंटू थर्टी सेवन बाय ट्वेंटी फाइव ठीक है और फिर देखते हैं एट ज़ीरोट एट यहाँ रहेगा और थर्टी सिक्स पी प्लस और इसको इसको इंटू करेंगे तो थ्री समझ ट्वेंटी वन टू थ्री थ्रीजा नाइन और टू अलेवन यहाँ हो गया 111P 25. यहां ए, वन हंड्रेड एलेवन पी बाय ट्वेंटी फाइव यहाँ इसको एक वन लिख देंगे और ट्वेंटी फाइव और वन कैल्शियम हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टाइम्स ट्वेंटी फाइव को थर्टी सिक्स से इंटू करेंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी फाइव नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड पी प्लस यहाँ पर वन हंड्रेड एलेवन पी रहेगा फिर हो जाएगा एट जीरो एट एट इजिकल टू नाइन हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड एलेवन ये हो जाएगा वन जीरो वन वन पी बाय टू फाइव ठीक है अब इसको सबको उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा ट्वेंटी फाइव वन जीरो वन वन इजिकल टू पी ये पूरा आई थिंक एट बार में ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है उसके बाद एट इंटू ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड ठीक है तो p का वैल्यू मेरा निकल गया p इज इक्वल टू टू हंड्रेड रुपीज मीन्स प्रिंसिपल मेरा टू हंड्रेड रुपीज निकल गया ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है शाहरुख ओपन आर डी अकाउंट एंड डिपोजिट एट हंड्रेड रुपीज पर मंथ मींस शाहरुख आर डी अकाउंट खोलता है और हर एक महीना एट हंड्रेड रुपीज जमा करता है ठीक है तो ये मेरा को प्रिंसिपल है एट हंड्रेड रुपीज़ ठीक है फोर वन इज टू वन बाई टू ईर मीन्स एन मेरा हो जाएगा टू हंड्रेड टू एव एन थ्री थ्री बाई टू है तो थ्री बाई टू इंटू टूल्व से इंटू करके इसे मैं मंथ में कन्वर्ट कर दूँगा सिक्स मीन्स एटीन मंथ ठीक है उसके बाद है रिसीव्ड फिफ्टीन थाउजेंड एटी फोर रुपीज एट द टाइम ऑफ मेचोरिटी मीन एम भी दिया हुआ है फिफ्टी फोर थाउजेंड एटी फोर रुपीज ठीक है फाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइन करना है ठीक है हमें क्या फाइन करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एम है एम का फॉर्मूला बैठाते हैं एम बीजिकल टू पी एन प्लस पी एन आर एन प्लस वन बाय टू फोर जीरो जीरो ठीक है वन फाइव जीरो एट फोर एम बी के प्लेस में पुट कर देंगे प्रिंसिपल है एट हंड्रेड इंटू एन एटीन प्लस एट हंड्रेड इंटू एटीन एन के जगह एटीन और आर के प्लेस में आर ही रहेंगे लिखेंगे और यहाँ भी एन के प्लेस में एटीन प्लस वन ठीक है बाय टू फोर जीरो जीरो तो ये ज़ीरो जीरो कैंसिल हो गया एट थ्री या ट्वेंटी फोर थ्री सिक्स या एटीन ठीक है और वन फाइव ज़ीरो एट फोर यहाँ रहेगा एटीन एटीन एट जहाँ हो जाएगा आपका एटीन एट ज़्या वन हंड्रेड फोर्टी फोर और दो जीरो ठीक है प्लस यहाँ पर हो जाएगा सिक्स आर सिक्स आर इंटू एटीन प्लस वन नाइनटीन वन फाइव जीरो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर वन फाइव जीरो एट फोर है वन फोर फोर जीरो जीरो, जीरो यहाँ पर रहेगा और नाइनटीन इंटू सिक्स ये हो जाएगा नाइन्टीन इंटू सिक्स हो जाएगा वन हंड्रेड फोर्टीन आर ठीक है नाइनटीन इंटू सिक्स वन हंड्रेड फोर्टी फोर वन हंड्रेड फोर्टीन इसको इधर भेज देंगे ये माइनस में चला आएगा माइनस वन फोर फोर जीरो जीरो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा सिक्स एट्टी फोर और यहाँ पर वन हंड्रेड फोर्टीन आर है इसको यहाँ भेज देंगे इसको ये डिवाइड में आ जाएगा सिक्स एट्टी फोर बाय वन हंड्रेड फोटीन डिवाइड में आ गया और इससे पहले टू से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा फिफ्टी सेवन और टू से से कैंसिल करूँगा तो थ्री फोर टू ठीक है और फिर ये सिक्स सेवन जो फोर्टी टू सिक्स फाइव जो थर्टी और फोर थर्टी फोर हाँ ये सिक्स टाइम्स में पूरा कट जाएगा तो रेट मेरा निकल गया सिक्स परसेंट ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है प्रियंका हैज़ अ रेकरिंग डिपोजिट अकाउंट ऑफ रुपीज वन थाउजेंड रुपीज पर मंथ मींस प्रिंसिपल है वन थाउजेंड रुपीज ठीक है और एट द रेट ऑफ टेन परसेंट मींस रेट दे दिया है टेन परसेंट ठीक है पर एनम एफ सी गेट्स फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज एज अ इंटरेस्ट क्या मिला है इंटरेस्ट मींस ये आई दिया हुआ है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज ठीक है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द टोटल टाइम मेरे को फाइंड करना है टाइम ठीक है टाइम को एन ले लिए तो मैच्योरिटी इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठाएंगे इंटरेस्ट टू पी एन आर एन प्लस वन बाई टू फोर जीरो जीरो ठीक है तो इंटरेस्ट के प्लेस में पुट कर देंगे फाइव फाइव जीरो जीरो ठीक है और प्रिंसिपल के प्लेस में वन थाउजेंड एन के प्लेस में एन ही रहेगा क्योंकि एन निकालना है और आर के प्लेस में टेन एन प्लस वन फाइव टू फोर जीरो जीरो ठीक है टू जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया और फिर इसे फोर से काटेंगे फोर सिग्सर ट्वेंटी फोर और ये ट्वेंटी फाइव टाइम्स ठीक है तो यहाँ हो जाएगा फाइव 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 जीरो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव एन एन प्लस वन ठीक है बाय सिक्स सिक्स को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जीरो जीरो थ्री 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 ठीक है यहाँ हो जाएगा ट्वेंटी फाइव एन को एन से इंटू करेंगे तो ट्वेंटी फाइव एन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एन ठीक है अब थ्री 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 जीरो जीरो यहाँ पर रहेगा इन दोनों से ट्वेंटी फाइव कॉमा ले लेते हैं तो एन स्क्वायर प्लस वन ठीक है थ्री 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 जीरो जीरो बाय में ये ट्वेंटी फाइव को डिवाइड में भेज देंगे और यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन ठीक है अब इसे कैंसिल करेंगे तो ट्वेंटी फाइव से ये होगा आ, वन टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स और फिर टू टाइम्स ठीक है तो यहाँ पर हो गया वन थ्री थ्री टू को इधर भेज देंगे ठीक है तो यहाँ पर एन बचा था तो इसे इंटू करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर एन बचेगा ठीक है एन स्क्वायर ट्वेंटी फाइव कॉमन लिए थे ठीक है तो इसको इधर भेज देंगे तो फैक्टराइज तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन ये इधर आके माइनस में हो गया वन थ्री थ्री टू और ये इधर जीरो बच जाएगा ठीक है इधर कुछ नहीं बचा तो इसको जीरो लिख दिया अब इसे फैटाइज करेंगे फैटाइज करने के लिए एल्सीयम निकालेंगे वन थ्री थ्री टू को एलसीएम निकालेंगे टू से सिक्स 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 ठीक है फिर टू से थ्री 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 फिर थ्री से वन 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 फिर थ्री से थर्टी सेवन ठीक है थर्टी सेवन हाँ ठीक है तो लाना है मेरे को वन तो थ्री थ्री जो नाइन नाइन टू एटीन टू जा थर्टी सिक्स थर्टी सेवन माइनस थर्टी सिक्स वन आ जाता है ठीक है तो एन स्क्वायर प्लस थर्टी सेवन एन माइनस थर्टी सिक्स एन माइनस वन थ्री थ्री टू इसे फैक्टराइज कर देंगे मिडिल टर्म फैक्ट्राइज इन दोनों से कॉमन ले लेंगे एन ठीक है और तो यहाँ पर बचेगा एन प्लस थर्टी सेवन ठीक है माइनस ये दोनों से कॉमन ले लेंगे थर्टी सिक्स ठीक है तो यहाँ बचेगा एन प्लस थर्टी सेवन इजिकल टू जीरो ठीक है तो एन माइनस थर्टी सिक्स एन प्लस थर्टी सेवन इजिकल टू जीरो तो यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एन का वैल्यू मेरा हो जाएगा एक निकलेगा थर्टी सिक्स और एक निकलेगा माइनस थर्टी सेवन तो थर्टी सेवन तो नहीं लेंगे तो एनिजिकल टू मेरा हो जाएगा थर्टी सिक्स मंथ ठीक है तो थर्टी सिक्स मंथ इसका आंसर है मीन्स इसको थ्री ईयर ले लेंगे आंसर ठीक है